गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुबह 9:30 बजे गांधीनगर में महात्मा मंदिर पहुंचेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का करेंगे उद्घाटन। दुनिया के शीर्ष कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत की हस्तियों से होगी मुलाकात। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक। आज की बैठक में एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नहीं होंगे शामिल। सीट शेयरिंग सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन। राज्यसभा के निलंबित 11 सांसद आज विशेषाधिकार समिति के सामने रखेंगे अपना पक्ष। उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में विशेषाधिकार समिति की बैठक है। 18 दिसंबर को अमर्यादित व्यवहार को लेकर निलंबित किए गए थे सांसद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा। मंदिर निर्माण सहित दूसरी परियोजनाओं की प्रगति का लेंगे जायजा। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष नड्डा महासचिवों के साथ लोकसभा चुनाव तैयारियों के बीच राम मंदिर कार्यक्रम से जुड़े पार्टी के रोड मैप पर करेंगे चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कार्यक्रम पर चर्चा के लिए बीजेपी नेताओं का दल आज पहुंचेगा अयोध्या। 10 जनवरी को संघ विहिप और राम तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह ने दिया इस्तीफा। 5 जनवरी को हुए चुनाव का सोमवार को आया परिणाम। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नूर ने दर्ज की जीत। कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बैठक जारी। आज महाराष्ट्र के एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के साथ सीट बंटवारे पर होगा मंथन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सोमवार को दिल्ली पंजाब में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, जल्द बनेगी सीट बंटवारे पर सहमति। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर हुई बैठक को लेकर सूत्रों का दावा यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस को देने की पेशकश की है। बदले में हरियाणा में 3 और गोवा में 1 सीट की मांग। पंजाब में कांग्रेस को दे सकती है 6 सीटें। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जमीनी खटास मिटाने की कोशिशें तेज। पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का चंडीगढ़ दौरा। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आलाकमान को देंगे फीडबैक। बिहार में आरजेडी जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले से कांग्रेस नाखुश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों पार्टियों को 15-15 सीटों पर लड़ने का दिया सुझाव। 9 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट वाम दल को देने का प्रस्ताव है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। आम आदमी पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी। शराब घोटाले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह ने भी सोमवार को भरा पर्चा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए संजय सिंह को फिर बनाया है उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठकों का दौर जारी। आज 2022 विधानसभा प्रत्याशियों के साथ सपा प्रमुख की बैठक। 11 जनवरी को विधानसभा प्रभारियों के साथ होगा मंथन। मायावती ने यूपी सरकार से सुरक्षा मांगी है। कहा कि दफ्तर पर अनहोनी की आशंका है, अराजक तत्व पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने फिर सादा समाजवादी पार्टी पर निशाना। सपा को बताया दलित विरोधी पार्टी। मायावती ने 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। शिवराज उस दिन ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम को लेकर फिर लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देने में नाकाम रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी वीवीपैट मसले का निपटारा न किए जाने का बताया अफसोसजनक। और त्यागी ने कहा कि आयोग को विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर बैठक जरूर करनी चाहिए।
बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सुविधा अनुसार संविधान का इस्तेमाल करती है। जब तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान मालदीव के मंत्रियों के टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजनयिक तलब किए गए। मालदीव की सरकार की तरफ से बयान जारी कर सफाई भी दी गई है। मंत्रियों को सस्पेंड करते हुए मालदीव सरकार ने कहा कि ये सरकार की भाषा बिल्कुल नहीं है। मालदीव के विरोध में एकजुट हुए भारतीय इजी माई ट्रिप वालों ने मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल की है। कंपनी के मालिक ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। हैदराबाद, करीमनगर और वारंगल में कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए विधायकों को संसदीय नियम, परंपरा और सत्र संचालन की गतिविधियों की बारीकियां बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को किया रद्द। 2 हफ्ते में सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा, कहा कि यह अधिकार गुजरात का नहीं महाराष्ट्र का था। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई की सजा की छूट रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता के दर्द का एहसास होना चाहिए। दोषियों को कोर्ट ने आदेश दिया, कहा कि 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा कि अब मेरे लिए आया नया साल, 1.5 साल बाद पहली बार ठीक से हंसी हूं। बिल्किस बानो केस पर राहुल गांधी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बता दिया अपराधियों के संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का संघर्ष न्याय की जीत है। बिल्किस बानो केस को लेकर प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो को दी बधाई। एक्स पोस्ट में लिखा, अंततः न्याय की जीत हुई। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा पर्दा हट गया है। उधर सीपीएम नेता वृंदा करात ने फैसले पर जताई खुशी, कहा कि कम से कम यह फैसला न्याय की कुछ उम्मीद जगाता है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ने बताया ऐतिहासिक। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का राम मंदिर पर विवादित बयान, चोट लगने पर मंदिर जाएंगे या फिर अस्पताल, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर। चंद्रशेखर ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का समर्थन किया है, कहा कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। यह स्पष्ट बात है, फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्री बाई फुले ने कही। बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर पर आपत्तिजनक बयानों को बताया गैर जरूरी, कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया देखेगी राम मंदिर की झलक, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण। ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी देश प्रदेश के सभी राम भक्तों को संबोधित भी करेंगे। देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का बड़ा बयान, कहा कि हिंदुओं के लिए बड़ी खुशी का मौका, दुनिया भर में हिंदुओं का सेलिब्रेशन बनता है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं पीएम मोदी। विदेशों में राम मंदिर को लेकर देखा जा रहा है खासा उत्साह। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर श्रीराम अभिषेक के लाइव प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया गया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की 22 जनवरी को लोगों से घर में 5 दिए जलाने की अपील। अयोध्या न पहुंचने वालों से अपने नजदीकी मंदिर में पूजा करने का आह्वान। सोमवार को चंपत राय ने 22 जनवरी के कार्यक्रमों को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी के आगमन और पूजा की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मंदिर में पत्थरों की पॉलिशिंग सहित तमाम अधूरे कामों को पूरा करने में मजदूर दिन रात जुटे हैं। आगरा में तैयार की जा रही है माता सीता के पैरों के लिए चांदी की पायल। 15 दिनों से बना रहे हिंदू मुस्लिम कारीगर पायल आगरा की नमक मंडी में तैयार की जा रही है। अयोध्या में जयकारा गूंजे। गीत के गीतकार और गायक मुकेश कुकरेजा और जेजे विक्की ने पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने इस गाने को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात गैंगस्टर तरनजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रिंस तेवतिया गैंग का फरार बदमाश था तरनजीत। यूपी के बरेली में एक दरोगा के उत्पीड़न से परेशान होकर एक युवक की आत्महत्या। ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान। मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बनावटी अपॉइंटमेंट लेकर फर्जी वीजा कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट जब्त। देश भर में सर्दी का सितम जारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप। 4 राज्यों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार थमी। उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 10 जनवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे का अनुमान जताया। कई इलाकों में बारिश के आसार। पंजाब, हरियाणा के कई शहरों में पारा 10 से नीचे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में 10 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश के आसार बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यूपी और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल कोई राहत नहीं। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फीली हवाएं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगरा में शीतलहर और घना कोहरा जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दक्षिण भारत में 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार। बारिश के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ने की संभावनाएं। तटीय इलाकों में मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी दी। लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने में इजराइल देगा मदद। इजराइल समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के प्रोजेक्ट पर शुरू करेगा काम। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक में इजराइल को महारत है। चीन के 5 दिवसीय दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने बीजिंग को बताया अभिन्न और मूल्यवान सहयोगी। चीन समर्थक मोइजू के दौरे पर दोनों देशों के बीच होने हैं कई अहम समझौते। बाद मालदीव कूटनीतिक तनाव में चीन की एंट्री है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को दी उदार बनने की नसीहत। चीन ने कहा कि क्षेत्रीय बॉस के नजरिए की वजह से भारत के पड़ोसियों से बिगड़ रहे हैं संबंध। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने कश्मीर पर एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। ओआईसी ने कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के यूएन के फैसले पर भारत को अमल करना चाहिए। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन का इस्तीफा। राष्ट्रपति मैक्रों ने किया स्वीकार। माना जा रहा है कि कुछ विदेशियों को निर्वासित करने वाले विवादित आवर्जन कानून को लेकर बोन ने छोड़ा पद। बांग्लादेश के आम चुनाव में सत्तारूढ़
आवामी लीग की बड़ी जीत हुई है। 298 से 224 सीटों पर हासिल की जीत शेख हसीना का पांचवी बार प्रधानमंत्री बनाता है। हिंसा के बाद बांग्लादेश में वोटिंग की गई थी। आम चुनाव में प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने गोपालगंज 3 संसदीय सीट से शानदार जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री हसीना लगातार चौथा कार्यकाल हासिल करने वाली हैं। उनका अब तक का ये पांचवा कार्यकाल होगा। हसीना 2009 से बांग्लादेश में शासन कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खेल जगत की हस्तियों को पुरस्कृत करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में साल खेल पुरस्कार 2023 के लिए चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। खेल रत्न पुरस्कार शतलज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया जाएगा। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सहित तमाम खिलाड़ियों को आज किया जाएगा पुरस्कृत। शमी ने अर्जुन अवार्ड मिलने को बताया सपने को सच होने जैसा। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच आज टी20 सीरीज का आखिरी मैच है। तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक से बराबर हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 के लिए मोहम्मद रिजवान को फिर से उपकप्तान बनाया है। टीम की कप्तान शाहीन अफरीदी के हाथ में रहेगी।